केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल के पश्चात लॉकडाउन की वजह से अन्य राज्यों में झारखंड के विभिन्न जिलों के 1058 श्रमिक एवं छात्र आज स्पेशल ट्रेन से नागलपल्ली तेलंगाना से बोकारो स्टील सिटी स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उपायुक्त श्री मुकेश कुमार के द्वारा सभी श्रमिकों का स्वागत किया गया एवं उनके सकुशल घर वापसी हेतु ढेरों शुभकामनाएं दी गई। यहां आने वाली सभी श्रमिकों को ट्रेन से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए ट्रेन से उतारे गए एवं स्टेशन परिसर में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु काउंटर बनाए गए थे जहां थर्मल स्कैनिंग व स्वास्थ्य जांच की गई। इसके बाद उन्हें उनके गंतव्य तक जाने हेतु अलग अलग जिलों की बसों में बैठाकर बोकारो रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। झारखंड के कुल 15 जिलों में से कुल 1058 लोग आए, जिनमें की प्रवासी मजदूर गिरिडीह के 765 थे, गोड्डा के 3, पलामू के 8, हजारीबाग के 3, लातेहार के 14, साहेबगंज के 2, देवघर के 138, कोडरमा के 2, पाकुड़ के 5, दुमका के 2, धनबाद के 26, गढ़वा के 7, बोकारो के 53, जामताड़ा के 20 एवं रामगढ़ के 10 श्रमिक शामिल हैं। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जो भी अलग अलग पॉकेट के लोग, अलग अलग राज्य के, अलग अलग जिलों के लोग आए हैं, उनको वेलकमिंग नोट पे हम रिसीव करें। जो प्रॉपर थॉरली मेडिकल स्क्रीनिंग की जानी है वो की जा रही है, बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत स्मूथली चीज़ें प्लान की गई हैं और पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम इसके लिए 24/7 लगी हुई है। और अभी कल भी हमारे यहाँ ट्रेन आने वाली है, हम कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल राइट ट्रैक पर है। और देख रहे हैं बहुत स्मूथली एग्जिट कर रहे हैं लोग। हम लोग उम्मीद करते हैं कि विद इन 1 घंटे के भीतर इनफैक्ट जो है बाकी लोगों को भी हम लोग अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना करते हैं। क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, कैसे जाएंगे लोग? हम लोग सभी लोगों के लिए जो है बसेस की टैगिंग की गई है, सभी जिलों के उपायुक्तों से कोऑर्डिनेट करा गया है, अलग अलग जिलों से भी बसेस मिल रही हैं और कुछ बसेस हम लोग भी उपलब्ध करा रहे हैं। उनके खाने का इंतज़ाम जो है, उनके फूड पैकेट्स का इंतज़ाम, बिस्किट, पानी का इंतज़ाम किया गया है। सभी लोगों की मैंडेटरी हम लोग मेडिकल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हेल्थ की टीम, उन्होंने 20 लोगों की टीम बना रखी है और उसकी एंट्री भी की जा रही है गूगल स्प्रेडशीट के ऊपर, और उनको उनके गंतव्य तक छुड़वाने का काम जो है संबंधित जिले के उपायुक्तों की जिम्मेदारी है कि वो अपने जिलों में पहुँचने के बाद वहाँ उनके उनके घर तक उनका पहुँचे। क्या कल भी लगभग 1200 लोग आए थे, आज भी मैंगलोर कर्नाटक से लगभग 1100-1200 लोग आए हैं, जिसमें मोस्टली गिरिडीह के हैं। हमने देखा है कि उपायुक्त महोदय के निर्देश में जिला प्रशासन और मेरे नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने अरेंजमेंट आप खुद देख रहे हैं, सभी जगह फोर्स अवेलेबल है, सारे प्रोटेक्शन के साथ है, जिससे कि वो भी सुरक्षित रहें। और सबसे अच्छी बात है कि लोग खुद इतने सजग हैं, इतने नियम को मान रहे हैं कि हमें बहुत दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सभी जगह हमारे फोर्स और मजिस्ट्रेट तैनात हैं, तो हमें लगता है कहीं दिक्कत हमें नहीं होने जा रही है और आगे भी हो सकता है 2 दिन बाद फिर कोई ट्रेन आएगी। तो बोकारो पुलिस और बोकारो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह तैयार है इनको अपने घर तक अच्छे से पहुँचाने के लिए। बस इनसे आग्रह है कि जब घर जाएँ तो क्वारंटाइन रहें, इधर उधर ना भटकें और प्रशासन का मदद करें। बेंगलुरु से एक ट्रेन यहाँ पर आई है बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर टोटल 1161 यात्री आए हैं 15 जिलों से, झारखंड राज्य के 15 अलग अलग विभिन्न जिलों से 1161 लोग आए हैं। ये लोग जो हैं अपने अपने ज़िले में वहाँ के कलेक्टर सर जो हैं सबने बसेस का इंतज़ाम करके रखा हुआ है। हम लोग यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्मूथली इनको अपने अपने घर तक भेजा जाए। सर एक बात और है, हमने देखिए ये जो चीज़ें हैं वो जो स्टेट भेज रहे हैं और रेलवे का इशू है उसमें उसमें जो है हम लोगों के जिला प्रशासन की तरफ से उसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।
राज्यों से आ रहे हैं, और बाद हो चाहे कोलकाता हो चाहे कसौली हो या फिर आज से बोकारो में से मैक्सिमम पैसेंजर जिस किसी भी ट्रेन से आ रहे हैं तो वो गिरिडीह को ही बिलोंग कर रहे हैं। तो मतलब हम लोग सफिशियंट नंबर ऑफ बसेज हर स्टेट के साथ ये कोशिश करते हैं कि वो उनके द्वारा निर्धारित किए गए रेलवे स्टेशन परेशानी नहीं है। अभी सभी लोग अपने बसेज में बैठते हैं, तो आगे जाके उनको प्रखंड वाइज हम लोग सर्टिफिकेट करा लेते हैं, जितने भी ट्रेन है प्रखंड में जितनी बसेज आती हैं फिर सारे पैसेंजर्स को हम लोग ब्लॉक पर बैठा कर सीधे उनके प्रखंड मुख्यालय में ही पहुँचवा लेते हैं, जहाँ उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग और डेटाबेस तैयार करने का कार्य चलता रहता है। और इसी आलोक में अभी तक तकरीबन 14,000 लोगों की गिरिडीह में एंट्री हो चुकी है। कल भी 3 ट्रेन आ रही हैं जिसमें अधिकतर गिरिडीह के ही पैसेंजर्स रहने वाले हैं।